कोई वार्निंग है। जो भी फैसला साज है दीर्घा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है, के मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहां कहां से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का दीर्घा कहूंगा। इसको मकाम शिफ्ट किया है उसका कि वो जो 8 तारीख को जैसा पिशावर में कर रहे थे सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहां पर इंशाल्लाह करें। 17 हमले हमारी तारीख में हैं, अभी तो सिर्फ 2 किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, बोले कहाँ जाना है, मुल्क कैसे बंद करना है। 9 नवंबर को सवाबी जलसे मिलाए अमल देंगे, कहा अवामी ताकत से इस हुकूमत से जान छुड़ानी होगी। आला अदलिया में जजेस तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन की तशकील, स्पीकर कौमी असम्बली का सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नू लीग के शेख आफ्ताब नामजद, सैनेट से फारूक नाइक और सैनेटर शिबली फराज के नाम दे दिए। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है। पूतों पे कोई डील नहीं होगी, 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 190 मिलियन आपकी जेबों से और आपके अकाउंटों से निकाला जाएगा। तोशा खाना, बुशरा बीबी, आपके वो जो एक जाली पर्दा किया हुआ है उसके अंदर जो हकूमत पाकिस्तान के हार और हीरे छुपे हुए हैं वो निकालेंगे। आइन में 26वीं तो क्या, 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। नून लीग के सेंटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा जो कल तक अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाते थे अब ट्रंप से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, अपनी गाड़ियों के पीछे ये भी लिखवा लें कि ट्रंप आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, तोड़ फोड़ करने वालों को हीरो बनाया जा रहा है, डील या ढील नहीं होगी, आइन के मुताबिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अदालत में पेश क्यों नहीं होते पीटीआई रहनुमा मुराद सईद मियां असलम इकबाल, हम्मात अजहर और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव के इल्जाम पर वारंट जारी किए, मुजरिमान को 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। पेशावर में पीटीआई एमएनए आतिफ खान के गिर्द घेरा मजीद तंग, एंटी करप्शन ने एमएनए आतिफ खान को एक और केस में तलब कर लिया। आतिफ खान को महकमे सियाहत और एजुकेशन की वजारतों में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तलब किया गया, उन पर हाउसिंग सोसाइटी में बेजाबतियों का भी इल्ज़ाम है। जारी नोटिस के मुताबिक आतिफ खान निजी सोसाइटी की तरक्की के लिए सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम है। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, वकला ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। एफआईए की दरख्वास्तों की मुखालफत, प्रोसिक्यूटर ने कहा जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही, बरियत की दरख्वास्त फाइल होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत ना हो सके। अदालत ने फरकीन को नोटिस जारी कर दिए। भारत की हवाएं अगर स्मॉग बढ़ाएं तो लाहौर के शहरी कहां जाएं, सरहद पार बजने वाले पटाखों ने लाहौर की फ़जा जहरीली कर दी, शहर आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय सरहद से मुल्हिका इलाकों में स्मॉग ज़्यादा है, सुबह के वक्त लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर था, नई अपडेट में भारतीय शहर नई दिल्ली का पहला नंबर। कि जो है उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जो हम जो कर सकते थे पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको पूरा वो करने की छुट्टियों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। लाहौर में स्मोक का जिम्मेदार भारत, पड़ोस से आने वाली हवाओं ने माहौल ख़राब किया, पंजाब हुकूमत शहरियों के बचाव के लिए भरपूर इकदाम कर रही है लेकिन फिजाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तला पंजाब असबा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, स्मोक पर काबू पाने के लिए जितने इकदाम मौजूदा हुकूमत ने किए कभी नहीं हुए, ग्रीन लाइन और ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया, 100 से ज़्यादा मुकदमा और 1000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की गईं।
इस बात का सबूत है कि जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी और शेड एयर का जो मामला है और इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया, खैर हमें उसका बिल्कुल भी अब परवाह नहीं है जो गैर जरूरी तनकीद ये लोग करते हैं, लेकिन आज इस बात का अमली सबूत आया कि जो एकदम शॉर्ट अप किया और फिर दोबारा से वो स्टैग्नेंट हुआ, 283 के ऊपर ड्रॉप हुआ। स्मॉग खत्ते का मुश्तरका मसला है, भारत की वजह से पाकिस्तान भी मुतासर होता है, इसीलिए भारत को इंगेज करना ज़रूरी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बोल से बातचीत, कहा स्मॉग के खात्मे के लिए भारतीय इंतजामिया से बात करना मजबूरी है। इस मामले पर बिलावजह तनकीद की गई, लेकिन किसी की गैर संजीदा बातों पर कान नहीं धरेंगे, अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। लाहौर में स्मोक और कराची में गर्मी का रोक, नवंबर आ गया लेकिन शहर में सर्दी नहीं आई, अगले महीनों के लिए लॉन ही खरीदें या कॉटन और वेलवेट लाएं, शहर की खवातीन कशमकश का शिकार, गर्म कपड़े बेचने वालों का कारोबार ठंडा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी सर्दी होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है, समंदरी हवाएँ बहाल हैं लेकिन शहरी नवंबर के दरमियान में खुनकी का आसरा रखें। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू, पंजाब से 141 केसेज रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 329 शहरियों को डेंगू मच्छर ने काट लिया, सिंध में कराची सबसे ज़्यादा मुतासर, शहर में 10 माह में 1700 से ज्यादा केसेज सामने आए, सूबे में मजमूई तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई। एक हफ्ते के दौरान इंडेक्स 865 पॉइंट्स बढ़ा, मार्केट 90,859 पॉइंट्स पर बंद हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट, एक हफ्ते में 2,79 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। तेज रफ्तारी का अंजाम हादसा और फिर मौत, जैकबाबाद में टोल ग्रिड स्टेशन के करीब कोच उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोच कोयटा से सादकाबाद जा रही थी, हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। टांक में करंट लगने से 3 भाइयों समेत 4 बच्चे जान बहक, तालुक के एक ही खानदान से था, इंतजाम के मुताबिक बच्चों की उम्र 10 से 12 साल थी। लाहौर सगिया पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया, पुलिस के मुताबिक कत्ल किए गए अफराद रिक्शे में सवार थे, वाकई जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मगरब के आशीर्वाद से फलस्तीन में नस्ल कुशी जारी, शुमाली गजा में इसराइल के 2 फजाई हमले, 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए, नसीरात पनागुजीन कैंप पर बमबारी से 34 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सदारती इंतखाब में 3 दिन बाकी, कमला और ट्रंप स्विंग स्टेट्स को अपने हक में 7 करने मसरूफ, ट्रंप 2 वोटों की गिनती से पहले ही जीत का ऐलान कर सकते हैं, कोई अफवाहों पर कान ना धरे। कमला का खिताब, मिशिगन के अरब अक्सरियती आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली, फलस्तीन की आज़ादी के नारे बुलंद, मकामी वोटर से कहना है कि मिशिगन में मुसलमान नताइज तब्दील कर सकते हैं। अमरीकी इंतखाबात में क्या होने वाला है, इलेक्शन से आलमी सतह पर क्या असरात होंगे, फलस्तीन पर कोई फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं, सुपर पावर के इलेक्शन पर बोल की हाई पावर ट्रांसमिशन, तज्जियकार आदिल नजम ने कहा कि सदारती दौड़ में शामिल दोनों ही उम्मीदवार इसराइल के हामी हैं। डॉक्टर जमील ने कहा मिशिगन स्विंग स्टेट है, वहाँ मुसलमानों की काफ़ी आबादी है जो नतज पर असरअंदाज हो सकते हैं।
सहाफियों के खिलाफ जराइम का आलम दिन कायम मकाम सदर अमरीका यूसुफ रजा गिलानी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब का सहाफियों को खराज तहसीन। कहा गजा और मकबूजा कश्मीर में सहाफियों को कत्लेआम जारी है। जंग जदा इलाकों बिलखसूस गजा में इसराइली बम्बारी के नतीजे में बड़ी तादाद में सहाफी कत्ल हुए। सहाफियों को सेंसरशिप, तशद्दुद, धमकियों, अखबार कत्ल जैसे खतरात दरपेश हैं। हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहीनों की कामयाबियां। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने सेमी फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। भारत की रसवाई इंग्लिश टीम ने धो डाला। अंग्रेज कप्तान रवि बोपारा ने एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए। भारत 15 रन से मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, हमारी फीडबैक भी बहुत अच्छी है कि बहुत ही अच्छा खाना है, लजीज खाने हैं। और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में 6 रोजा सालाना फूड फेस्टिवल। यूरोप में पाकिस्तान के चटपटे खानों की धूम, दुनिया भर से सयाह फेस्टिवल का रुख कर रहे हैं। दिलफरेब म्यूजिक ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।